हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आज का मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है ईद की तैयारी के साथ। तो अभी अर्ली मॉर्निंग है, तो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ कि मैंने आज क्या क्या किया, मेरे प्लान्स क्या हैं और मैंने क्या बनाया। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ईद मुबारक टू ऑल माई व्यूअर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी फर्स्ट आपको बता रही हूँ मेरी मेहंदी का डिज़ाइन, जो अभी कम्प्लीटली ड्राई है, जो रात में मैंने इसको लगाई थी। अभी अर्ली मॉर्निंग है तो मैं नहाने से पहले इसको थोड़ा रफली निकाल लूँगी, फिर मेरा सारा काम शुरू होगा। तो फ्रेंड्स, आप समझ ही सकते होंगे कि आप भी ऐसी ही सिचुएशन में अर्ली मॉर्निंग उठते होंगे और मेहंदी वगैरह इसको क्लीन करना पड़ता है। पहले तो नहाएंगे, फिर सारा काम करेंगे, ईद की नमाज़ भी तो जानी पड़ती है और हमें भी तो पढ़ना है। तो इसीलिए पहले इसको मैं रफली अभी निकाल रही हूँ, फिर जाऊँगी पानी नहाने के लिए, फिर मेरा काम चालू होगा। मैं अभी तैयार हो चुकी हूँ और यहाँ पर मेहंदी का वीडियो बना रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ कि कलर कितनी अच्छे से आया है। और आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा मेहंदी का डिज़ाइन कैसे लगा। तो ये मैंने खुद ही बनाया था, इसका वीडियो मैं अलग से डालूँगी मेरे चैनल पर, अगर आप चाहो तो वहाँ पर जाकर आपको वो देख सकते हो। तो इसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगी मेरी स्वीट डेजर्ट की रेसिपी। लेकिन फ्रेंड्स, अभी मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं आपके साथ यहाँ पे इसी समय पे इसकी रेसिपी शेयर कर लूँ। तो ये पर मैंने कुछ नया ट्राई किया था, तो बहुत ही यमी और बहुत मज़ेदार आया था ये, मेरे घर में भी बहुत सबको पसंद आया। तो मैं फिर से इसको रिपीटेडली बनाने वाली हूँ, इसकी रेसिपी भी मैं मेरे चैनल पर डाल दूँगी आने वाले वीडियोस में। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और छोटी सी बेल भी ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि आपको मेरे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलें। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कुफ्तों की रेसिपी, क्योंकि हमारे घर पे हर ईद पे हम कुफ्ता बनाते हैं अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में। तो यहाँ पर मैंने आधी तैयारी कुफ्तों की पहले ही करके रखी थी और सुबह में मैंने इसको तड़का देके थोड़ा हीट अप कर लिया था, दैट्स ऑल। और मैंने सुबह में रोटी पकाई थी इसके साथ। तो यहाँ पर मैं आपको कुफ्तों की रेसिपी बता रही हूँ, अगर आप चाहो तो मेरे पिछले कुफ्ते करी की रेसिपी चेक कर सकते हो कम्प्लीटली। तो आप यहाँ पर इसको देख लीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको इसमें फिर से कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हो। ये वीडियो भी मैंने बहुत ही मेरे बिजी स्केड्यूल में निकाल के समय बनाया था, ताकि मैं आपको अगले दिन ही ईद के ये बता सकूं और शेयर कर सकूं मेरा वीडियो। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसका आंसर करने के लिए आंसर करूँगी और आपके डाउट्स क्लियर करूँगी।
कोफ्ते तो अभी तैयार हैं, अभी मैं इसको पकाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने लिया चॉप्ड ऑनियंस और टोमेटो प्यूरी मैंने बना ली थी, लगभग 4 बड़े टोमेटो और एक छोटी सी ऑनियन मैंने यहाँ पर ली है, ताकि मैं सारे मसाले मैं यहाँ पर ऑलरेडी कुफ्तों में डाल चुकी हूँ। तो मैं इसको लाइट से तड़का दूंगी और पकाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने लिया कुकिंग ऑयल एक पॉट में, उसको हीटअप करके मैंने थोड़ा ऑनियंस को सॉफ्ट कर लूँगी इसमें डाल के। ऑनियन सॉफ्ट होने के बाद यहाँ पर मैं डालूंगी टोमेटो प्यूरी और ऐड करूँगी सॉल्ट स्वाद अनुसार, और अगर चाहो तो इसमें लाल मिर्च आप फिर से थोड़ी बहुत शामिल कर सकते हो, या फिर कुफ्तों में ऑलरेडी है तो इसीलिए आप चाहो तो डालिए, नहीं तो मत डालिएगा। अगर आप स्पाइसी खाते हो तो थोड़ी बहुत डाल दीजिएगा। और इसको मैं टोमेटो प्यूरी को थोड़ा पकाने के बाद उसकी के साथ मसालों का थोड़ा सा वाटर ऐड कर लूँगी और डालूँगी कोफ्तों को, और उसी में बॉईल करूँगी ताकि लगभग 20 मिनट्स तक मैं इसको पकाऊँगी और स्विच ऑफ कर लूँगी फ्लेम को। वो अच्छी तरीके से पक चुके होंगे, फिर हम इसको सर्व करेंगे ब्रेकफास्ट में रोटी के साथ। ये बहुत ही इजी और सिंपल और डिलीशियस रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखें। ये हमारे ईद पे तो एवरी टाइम जो भी ईद रहती है, जैसे कि रमज़ान की ईद उल फित्र और ईद उल अदा, तो दोनों पे ही हम ब्रेकफास्ट में इसी को बनाते हैं। मेरी फैमिली में मेरी मम्मी बनाते थे, तो मेरे ससुराल में भी बनाते थे, तो हमेशा मैं ये ट्रेडिशन फॉलो करती हूँ। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो कि आपके यहाँ पे क्या बनता है और आप क्या बनाते हो, क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट बनता है। तो आप भी मुझसे शेयर करिएगा कि आपके घर में क्या बनता है हर ईद पे और आपकी क्या तैयारियों के प्लान्स चलते हैं, तो आप ज़रूर शेयर करें। अभी तो कोफ्ते तो पक चुके, तो ये अभी रेडी है सर्व करने के लिए। और मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ मेरे ईद का ड्रेस, लेकिन यहाँ पे बता दूँ ये मैंने रिपीटेडली सेकेंड टाइम पहना है अभी, क्योंकि मैंने ईद में शॉपिंग नहीं की कोविड की वजह से, तो घर पर भी मैंने किसी के लिए शॉपिंग नहीं की है। तो यहाँ पर मैं अभी आपको बता रही हूँ बिरयानी जो बहुत ही डिलीशियस और यमी बनी है। बिरयानी के बगैर तो कोई भी ईद अधूरी होती है, तो ये तो बरसों पुराना ट्रेडिशन होगा शायद, तो इसीलिए इस मज़ेदार बिरयानी को देख के आप भी कुछ इंस्पायर हो जाइए। और मेरे चैनल पे जो भी मैंने रेसिपीज़ डाली हैं बिरयानी की, आप ज़रूर रेफ़र कीजिए उसको और बनाइए, और मेरे साथ भी शेयर कीजिए कि आपकी बिरयानी कैसे बनी। तो यहाँ पर आप ही मज़ा लीजिए इस वीडियो का। इसके साथ मैंने सर्व की चटनी जो दही की होती है, और चिकन फ्राई, मैंने चिकन कबाब बनाया था, तो मैंने इसको सर्व कर लिया कुछ सैलेड के साथ। आगे आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर्स। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो
तो अगर अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिए। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। तो अभी लगभग 5 o'clock हो चुके हैं और शाम हो रही है, तो बच्चे थोड़ा बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, स्नेक एंड लैडर्स गेम खेल रहे हैं। तो आप भी मेरे चैनल पे इसी तरीके से बने रहें और सपोर्ट करते रहें। अभी मैं शेयर कर रही हूँ एक और डिज़ाइन जो मैंने बनाया मेरे भाभी के हाथ में, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये भी बहुत पसंद आया होगा। ईद तो ऑलमोस्ट हो चुकी है एंड आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल कुर्बानी नहीं दी है, हमने भी नहीं दी कोविड की वजह से, तो लेट्स सी नेक्स्ट ईयर। एंड आई होप कि आपकी भी ईद बहुत अच्छे से गुजरी होगी। तो रखिए मुझे दुआओं में याद और बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही, और सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।